Hi students, I'm Ishpak sir. Today our topic is exercise 4.4, question number 1, find the product. तो इस एक्सरसाइज के हमने कुछ पार्ट्स पिछले वीडियो में किए थे, आज हम पार्ट नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे. और पार्ट नंबर 9 इज यू हैव टू सिंपली फाइंड द प्रोडक्ट 63 मल्टीप्लाई बाय 25. अब मैं इस पार्ट को ऐसे लिखूंगा आपकी आसानी के लिए, 63 मल्टीप्लाई बाई 25. सबसे पहले हम इस 5 को इस 3 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 15. 5 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 15. हियर इज 5 एंड 1 गोज टू कैरी. 5 मल्टीप्लाई बाई 6. 5 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 30. 30 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 31. नाउ क्रॉस हियर, 5 के नीचे हम एक क्रॉस डालेंगे वन प्लेस पे. नाउ अब हम इस 2 के साथ इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6 एंड दिस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 12. 5 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7. 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 एंड दिस वन इज हियर 1575. दिस 9 1575. इसी तरह से हमारे पास है पार्ट नंबर 10. पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 75 मल्टीप्लाई बाय 16. नाउ अब हम इस 6 के साथ इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 30. 0 इज हियर, 3 गोज टू कैरी. 6 मल्टीप्लाई बाई 7. 6 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज इक्वल टू 42. 42 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 45. 5 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 5. 5 7 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 7. Add these two numbers. The 0 goes down. 5 plus 5, that is 10. 0 and 1 goes to carry. 7 plus 4, that is equal to 11. 11 plus 1, that is equal to 12. 1200 is our required answer. इसी तरह students, हमारे पास है part number 11. That is 63 multiplied by 15. 5 multiplied by 3, that is equal to 15. 5 is here. 1 goes to carry. 5 multiplied by 6. 5 multiplied by 6. That is equal to 30. 30 plus 1. That is equal to 31. 3 multiplied by 1. That is equal to 3. 6 multiplied by 1. That is equal to 6. 5 is here. 3 plus 1. That is equal to 4. 6 plus 3. That is equal to 9. 945. Part number 12. 58 multiplied by 32. 8 multiplied by 2, that is equal to 16. 6 is here. 1 goes to carry. 5 multiplied by 2, that is equal to 10. 10 plus 1, that is equal to 11. 8 multiplied by 3. 8 multiplied by 3, that is equal to 24. 2 is here. 4 is here. 2 goes to carry. 5 multiplied by 3, that is equal to 15. 15 plus 2, that is equal to 17. 6, 5, 8, and 1. 1,856 is our required answer. इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 13, 14, 15 और 16 भी करने हैं. नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास है अब पार्ट नंबर 17. पार्ट नंबर 17 इज 528 मल्टीप्लाई बाई 32. सबसे पहले हम 528 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 528 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1056. 6 के नीचे हम एक क्रॉस डालेंगे. नाउ 528 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6 एज इट इज नीचे आएगा. 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9. 8 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 8. 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6 एंड हियर इज 1. सो 16896 दैट इज 16896 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. इस पार्ट को मैंने यहाँ पे प्रूव किया है. अब इसी तरह से हमारे पास है पार्ट नंबर 18.
Our part number 18 is 402 multiplied by 47. ठीक है, सबसे पहले हम 402 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ. दिस इज 2 8 and 2 8 1 4. पुट क्रॉस अंडर 4. अब हम 402 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ. दिस इज 1608 8 0 6 1. नाउ ऐड द टू नंबर्स. दिस 4 गोज डाउन. 8 + 1 = 9. 8 + 0 = 8. 6 + 2 = 8. दिस वन इज हियर 18. दिस इज आवर आंसर. 18894 इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 18. नाउ कम टू पार्ट नंबर 19. हमारा पार्ट नंबर 19 क्या है? 819 मल्टीप्लाई बाय 82. 819 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 1638. पुट क्रॉस अंडर 8. नाउ 800, अब हमें 819 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ. दिस इज 6552, दैट इज 6550. दिस 8 गोज डाउन. 3 + 2 दैट इज 5. 6 + 5 दैट इज 11. 1 इज हियर, 1 गोज टू कैरी. 5 + 1 दैट इज 6. 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7. एंड दिस 6 गोज डाउन, दैट इज 67158. नाउ कम टू पार्ट नंबर 20. आवर पार्ट नंबर 20 इज 617 मल्टीप्लाई बाय 25. नाउ अब हमें 617 को 617 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 के साथ. दिस इज 3085. 617 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 के साथ. दिस इज 1234. 4 3 2 and 1, ऐड दिस. दिस इज 5 हियर. 8 + 4 दैट इज इक्वल 12. 2 इज हियर, 1 गोज टू कैरी. 3 + 1 दैट इज 4. 3 + 2 = 5 and 1. सो 15425 इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 20. थैंक्स स्टूडेंट्स.